हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्टर मॉडल की इस एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपकी गाड़ी में बैटरी का जो इंडिकेशन है, जो कि डैशबोर्ड में दिखाई देता है, अगर वो इंडिकेशन ब्लिंक करने लगे या परमानेंटली ऑन हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। एक्चुअली पिछले सफ़र के दौरान मुझे ये महसूस हुआ कि इसका जो बैटरी लेवल वाला जो इंडिकेटर है, जो बैटरी को इंडिकेट करता है, जो कि इस MID के बीचों बीच यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है, ये यूजुअली जैसे हम गाड़ी को ऑन करते हैं तो ये इंडिकेटर ऑफ रहता है। जैसा कि मैं भी आपको गाड़ी ऑन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी में जो इंजन चेक लाइट है वो ऑन है, लेकिन जो बैटरी का इंडिकेटर है वो बिल्कुल ऑफ है। यही सबसे पहले ऑन हुआ था और धीमे धीमे करके फिर दूसरे नंबर पे ABS का जो साइन है वो ऑन हो गया, फिर उसके बाद में जो एयरबैग का था वो भी साइन ऑन हो गया, और फिर धीमे धीमे करके जो इसकी एसेसरीज थी वो सारी एक के बाद एक डीएक्टिवेट हो गई थी। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो ब्लोअर है, AC भी ऑन था, AC ने भी काम करना बंद कर दिया, और जो इसका जो टैकोमीटर था वो भी 1000 RPM पे जाके फिक्स हो गया। तो ये सीधा सीधा एक इंडिकेशन होता है कि आपके अल्टरनेटर ने काम करना बंद कर दिया है। तो इसी कारण से हमने डिसाइड किया कि अब जो गाड़ी है उसके अल्टरनेटर को एक सर्विस की ज़रूरत है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने अल्टरनेटर में रिपेयर करने वाली होती हैं, और कौन कौन सी वो चीज़ें जो आप बदला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हमें अल्टरनेटर को खोलने के लिए एक जो एक फेवरेबल कंडीशन होती है कार की, मतलब कार के नीचे हमें घुसने के लिए जगह बनानी होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें अगर टाटा मांसा का अल्टरनेटर खोलना है तो आप देख सकते हैं अल्टरनेटर की जो पोजीशन है वो काफ़ी नीचे है, काफ़ी पीछे की तरफ है इंजन में। तो हमें अल्टीमेटली गाड़ी के नीचे से जगह लेनी होगी, और उस जगह को बनाने के लिए सबसे पहले गाड़ी की जो एक तरफा है, एक तरफ हमें जैक लगाना है, और इस टायर को किसी स्पेस या फिर इसकी स्टेपनी को इसके नीचे रख देना है, ताकि ये टायर इस तरफ से ऊंचा हो जाए, और हम दूसरी तरफ फिर जैक लगा देंगे। तो ये है गाड़ी का जैक। आइए इसको इस तरफ लगा के इस टायर को ऊंचा उठा देते हैं, और उसके बाद में इसमें टायर, जो दूसरी स्टेपनी का जो टायर है उसको हम इसके नीचे रख देंगे, ताकि ये थोड़ा सा ऊँचा हो जाए, फिर इस जैक का यूज़ करके उस तरफ से भी उठा देंगे। तो दोस्तों, हमने गाड़ी को दोनों तरफ से जैक लगा के उठा दिया है। दोनों आगे जो आगे के जो दोनों टायर हैं उनमें हमने इस टाइप के जो रिम हैं 3 इंच हाइट के, और पीछे सेफ्टी के लिए इसकी स्टेपनी और एक और रिम लगा दिया है, कि अगर इन केस अगर कभी गाड़ी आगे बढ़ जाती है या फिर रिम जो है स्लिप हो जाता है या जैक स्लिप हो जाती है, तो जो नीचे है नीचे जो बंदा काम कर रहा है उसकी सेफ्टी इंश्योर हो सके। आप देख सकते हैं अब इसके बीच में हमें इतना इनफ स्पेस मिल गया है कि एक बंदा आराम से लेट के जो अपना काम है वो कर सकता है। अब अल्टरनेटर निकालने में जो दूसरी इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है वो है इसका जो टेंशनर है, उस टेंशनर को रिलीज करके इसके बेल्ट को अलग कर देना। तो आइए वाला काम भी कर लेते हैं, बहुत ईजी है। हमारी और दूसरी वीडियोज़ में हमने आपको कई बार इसको बेल्ट को उतारना भी बताया है। खुल गया।
खुला। तो गाइस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो दो नट थे वो हमने खोले हैं। पहला जो था वो मेन चार्जिंग का था और दूसरा ये जो 8 नंबर का हम लोग खोल रहे हैं ये बेसिकली एक इंडिकेटर के लिए होता है, जो डैशबोर्ड पे आपको बैटरी का इंडिकेटर दिखाई देता है उसमें। ले बॉडी निकाल के भाई। ये हमने अल्टरनेटर हमने अपनी गाड़ी से निकाल लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके वेयरिंग में कोई समस्या नहीं है, बस ये जो आवाज़ आ रही है ये इसके कार्बन शू की आवाज़ है। और ये पहले भी रिपेयर हो चुका है, उसके सबूत मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नट यहाँ पर लगा नहीं है, शायद लगता है क्या, नहीं लगता होगा, जो भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल हम इसको पहले एक बार खोलेंगे और फिर इसको साफ़ करेंगे। खोलने के लिए सिंपल ये कवर तो ऐसे ही निकल जाता होगा, लॉक रहते होंगे कहीं ना कहीं टूटा है वो। यहाँ देखिए यहाँ पर इसके कवर निकल गया है और अब ये इसके ब्रेक शू के वायर होंगे। तो गाइस इसमें जो मेन समस्या आ रही थी कि जो हमारी गाड़ी थी वो प्रॉपर तरीके से गाड़ी की जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो रही थी। तो अब इस कंडीशन में हमें यही देखना है कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो मेन वायर, तो इसके तीन जो कॉइल हैं ये इसकी मेन एसी आउटपुट की कॉइल्स हैं और फिर हमें ये इसका रेक्टिफायर, ये जो वाला है ये जो हिस्सा है ये पूरा इसका रेक्टिफायर वाला हिस्सा है, इसको हम खोलेंगे। और ये वाला जो हिस्सा ये कार्बन शू वाला है जिससे कि बैटरी का जो करंट है वो इसमें बैटरी इन होता है और ये बेसिकली बैटरी प्लस आउट होता है, माइनस जो इस जो होता है वो इसके ग्राउंड में होता है। तो माइनस का वायर हमें ढूंढना नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसके कार्बन शू जो है लगभग चले गए हैं क्योंकि अंदर वाला जो है वो बाहर आ नहीं रहा है और यही कारण रहा होगा जिसकी वजह से जो अल्टरनेटर है उसने काम करना बंद कर दिया है। तो अब इसकी जो एक जनरल सर्विस है उस सर्विस में हम इसको सिंपली खोलने वाले हैं और खोल के इसको थोड़ा सा साफ़ करेंगे। और जो दूसरी चीज़ है वो इसकी इसके जो कार्बन शू है वो अपन चेंज करेंगे और इसको एक बार जो थोरो क्लीनिंग होती है। बाकी इसका रेक्टिफायर बिल्कुल ठीक काम कर रहा था तो इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हमें एक चीज़ जो दिख गई है वो है इसका कार्बन शू। तो दोस्तों फाइनली अब मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने जो हमारा अल्टरनेटर है उसमें क्या क्या काम हुए हैं। बेसिकली जब हमने इसको खोला था क्योंकि वहाँ अभी लॉकडाउन का टाइम है और दुकान पे ज़्यादा भीड़ होनी नहीं थी इसलिए हम सेल्फ अल्टरनेटर को वहाँ पे छोड़ के आ गए थे। तो कुल मिला के ये जो कटआउट प्लेट या जिसमें शू लगे होते हैं इस प्लेट में, वैसे तो इस प्लेट को स्टैंडर्ड तरीके से बदला देना चाहिए था पर जो मैकेनिक जो इलेक्ट्रिशियन था उन्होंने कहा कि केवल ब्रेक जो इसके कार्बन शू है उसको चेंज करने से काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से उन्होंने दो छेद किए और कार्बन शू के तारों को अलग करके दूसरे उसमें इंसर्ट कर दिए। पहला काम ये हुआ। दूसरा काम था इसके जो जो लग्स थे उनको घिसना बराबर करना। तीसरा काम था इसका जो इसके जो बेरिंग थे दोनों मतलब मेन तो पीछे वाला बेरिंग था वो गड़बड़ हो गया था तो उस बेरिंग को जो है साफ़ किया।
मतलब निकाल के रिप्लेस कर दिया है। आगे का बेयरिंग भी बोल रहे थे तो वो भी हमने रिप्लेस करवा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके की कोई आवाज़ नहीं इसमें आ रही है। पहले इसमें एक ची वाली जो एक आवाज़ थी, जो कि यूजुअली सबको लगता है कि बेल्ट की आवाज़ है, बेल्ट स्लिप होने की आवाज़ है, वो बेसिकली वो जो आवाज़ थी वो यहाँ से आ रही थी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आवाज़ इसमें नहीं आएगी। आइए इसको लगा देते हैं और अल्टरनेटर को वापस से गाड़ी में कसना शुरू करते हैं। गाइस, हमने अपना जो गाड़ी का अल्टरनेटर था वो कस दिया है और जैसे तैसे बेल्ट की फिटिंग भी कर दी है। तो आइए गाड़ी को एक बार चालू करके देखते हैं और चेक करते हैं कि बैटरी का जो इंडिकेटर था जो पहले आ रहा था वो आना बंद हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी सभी इंडिकेटर जो पहले अल्टरनेटर के काम ना करने के कारण से सभी ऑन हो गए थे, अब पावर आने के बाद में सब ऑफ हो गए हैं। और अब हम जैसे ही इंजन को ऑन करेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये इंडिकेटर भी ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल इंजन चेक लाइट, सीट बेल्ट रिमाइंडर और जो पार्किंग का इंडिकेटर है वो ऑन है, बाकी सभी इंडिकेटर ऑफ हो चुके हैं। आप चूँकि मेरी गाड़ी में भी ऑक्सीजन सेंसर का इशू है इसलिए इंजन चेक लाइट दिखा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको टाटा मांजा का जो अल्टरनेटर है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में टाटा मांजा हो तो ही ये मेथड काम करे। आपके पास में फीड सोर्स के इंजन वाली कोई भी अगर कार है, चाहे वो स्विफ्ट हो, डिज़ायर हो, मारुति सुजुकी की कोई सी भी कार हो, इवन टाटा की जो दूसरी कार है वो भी अगर आपके पास में, तो भी उसमें आपको यही इसी टाइप के अल्टरनेटर मिलेंगे। और उसमें अगर ये इंडिकेशन अगर आने लगे तो आपको कुल मिला के या तो उसके कार्बन शू या फिर उसकी जो कटआउट सर्किट है वो आपको चेंज करना होता है। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए क्राफ्टर मॉडल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।